फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल कादिर आरसीवाला और आज हम लोग अकाउंटेंसी का प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का फर्स्ट सम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो देखते हैं पहला सम हमारा आज का। तो शुरू करते हैं आज के हमारे प्रॉब्लम से। सबसे पहले लेट अस लुक की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, नेशनल ट्रेडर्स नेशनल इंडस्ट्रीज वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 July 2007 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ मिस्टर मोहन विथ इफेक्ट ऑफ 1 April 2007। देखिए 1 July 2007 को नेशनल इंडस्ट्रीज जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई है और ये जो है ये मिस्टर मोहन का बिजनेस टेक ओवर कर रही है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2007। सो 3 महीने पहले, इनकॉर्पोरेशन के 3 महीने पहले से मिस्टर मोहन का बिजनेस जो है वो क्या हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है। द फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2008। सो अगले साल जब ईयर एंड हो रहा है तब का ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है हमें। ओपनिंग स्टॉक है 36,000, परचेसेस 52,500, सेल्स अप टू 30 जून 30,000, टोटल सेल्स 90,000। ये एक नेसेसरी एंट्री है। यहाँ पे हम इस एंट्री की मदद से हम लोग सेल्स रेशियो निकाल सकेंगे। सो आई विल जस्ट टिक दिस, दिस इज़ अ नीडेड एडजस्टमेंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आइए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स फीस, टेलीफोन चार्जेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, ये एक्सपेंसेस दिए हैं और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 22,500। आफ्टर ऑल दिस एडजस्टमेंट्स नेट प्रॉफिट कम्स अराउंड 2,275। एंड इसी के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी है यहाँ पे। रेंट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स वॉज ₹50 एंड देर आफ्टर इट वॉज 75। तो ये रेंट को मैं टिक करता हूँ क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट है। वैसे ही ऑफ द बैड डेब्ट्स 100 आर रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अगेन जो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है, जहाँ पे बैड डेब्ट्स है वहाँ पे मैं टिक करूँगा क्योंकि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है। तो सम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वी विल मेक अ फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए जो प्रॉब्लम होता है इट इज़ डिवाइडेड, द फॉर्मेट जस्ट लुक्स लाइक योर रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका जो रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वैसा ही दिखता है। इंस्टेड ऑफ 2 अमाउंट कॉलम्स यहाँ पर आपको 3 अमाउंट कॉलम्स मिलेगी। पहला रहेगा प्री, फिर पोस्ट और फिर उसकी टोटल ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ। नाउ ये तो है फॉर्मेट। इस पर काम करने से पहले हमें नेसेसरी है कि हम लोग टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। आई विल राइट इट कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। ओके, अब टाइम रेशियो के लिए हमें देखना होगा कि बिजनेस का ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है और कंपनी इनकॉर्पोरेट कब तक, कौन सी डेट से हो रही है। जिस डेट से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है वहाँ से आगे का पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होगा और उसके पहले का पीरियड जो होगा वो प्री इनकॉर्पोरेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 जुलाई को नेशनल इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेट हुई है और 1 अप्रैल से साल शुरू हो रहा है। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई का जो पीरियड रहेगा ये प्री इनकॉर्पोरेशन रहेगा। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे कि ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, आई राइट 1 April 2007 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड
on 1st July 2007 and year ends on 31st March 2008. तो इस तरीके से हम लोग देखें तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ऐसे बनता है. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड रहेगा आपका अप्रैल से जुलाई तक, और जुलाई से आगे अगले मार्च तक का जो पीरियड रहेगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रहेगा. तो टाइम रेशियो आएगा 3 months, टाइम रेशियो आएगा आपका 3 months एज टू 9 months. इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि टाइम रेशियो विल बी 3:9, नॉट 3:9. इसको और सिंपल कर सकते हैं 1:3. ओके, ये तो हमने टाइम रेशियो कैलकुलेट किया. अब इसी तरीके से हम लोग जो है वो सेल्स रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे. सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम लोग टर्नओवर देखेंगे. तो प्रॉब्लम में हमको टर्नओवर दिया गया है, सेल्स इज, टोटल सेल्स इज 90,000. लेकिन जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले का जो पीरियड है, उसमें सेल्स हुए हैं 30,000, और जो आगे का पीरियड है बाकी के सेल्स उसमें हुए हैं. तो लेट अस फाइंड आउट सेल्स रेशियो ऑल्सो. सेल्स अप टू इनकॉर्पोरेशन ये हमें सम में दिए है 30,000, एंड सेल्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, देखिए टोटल सेल्स है 90, तो सेल्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हो गए 90,000 माइनस 30,000, दैट इज 60,000. और टोटल सेल्स तो सम में ही दिया है हमें 90,000 रुपीज़ का. देखिए ये टोटल सेल्स है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा. तो सेल्स रेशियो हमारा आता है दोस्तों, सेल्स रेशियो आता है 30,000 एज टू 60,000. इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, सेल्स रेशियो कम्स टू 3:6 या 1:2. तो देखिए अभी हमारा जो है टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो दोनों कैलकुलेट हो चुका है. नाउ शुरू करते हैं सीधा, हम हमारा जो मेन सम है वहाँ पर आकर शुरू करते हैं. एक एक करके वी विल सी दी एंट्रीज. सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेबिट साइड से. डेबिट साइड हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं. प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, अपना ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी डिटेल्स है वो नहीं लेते. वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो पहला जो आपको एक्सपेंस दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस में वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हम लोग पहले लिखेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो होता है वो एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो नॉट इन नेचर ऑफ सेल्स. देखिए अब यहाँ पे जो दो रेशियोज़ है वो एक्सपेंसेस जो सेल्स के नेचर में हो गए या सेल्स के कनेक्शन में हो गए, उन एक्सपेंसेस को हम सेल्स रेशियो में बांटेंगे, और बाकी सभी रेशियोज़ को हम लोग टाइम रेशियो में बांटेंगे. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होता है वो टाइम रेशियो में बंटता है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टोटल हुए हैं 5,400. इसको अगर मैं टाइम रेशियो में बांटना चाहूँ तो इस तरीके से हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. 5,400 डिवाइडेड बाय 1:3 का रेशियो है तो आई डिवाइडेड बाय 4. 1,350 आता है. 1,350 आएगा प्री इनकॉर्पोरेशन में, और पोस्ट में आएगा बाकी का इंटू 3, दैट इज़ 4,050. आप अगर इन दोनों के टोटल ले गए तो ऑटोमेटिकली बाहर के कॉलम में आपको 5,400 आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है. तो आप इस तरीके से टैली करके चेक कर सकते हो कि आप सम बराबर सॉल्व कर रहे हो या नहीं. नेक्स्ट जो आता है वो है रेंट. रेंट आता है 825 का, लेकिन इस पर एक एडजस्टमेंट दी हुई है.
एडजस्टमेंट कहती है कि पहले 3 महीनों का रेंट 50 रुपये महीना था और उसके बाद जो रेंट था वो 75 रुपये महीना था। तो एंट्री करते हैं इसकी भी हम लोग रेंट, इसको हम लोग कहेंगे एक्चुअल बेसिस पे, जैसे दिया है पहले 3 महीने के लिए 50 रुपये महीना था, तो 50 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 3 महीने, दैट इज़ 150 रुपये आएगा प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में यही रेंट 75 रुपये का हो चुका, 75 × रिमेनिंग 9 मंथ्स जो आते हैं 675, इसका टोटल अगेन 825 आपको जो सम में दिया है वही आने वाला है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आएगा अगेन टाइम रेशियो में, इंश्योरेंस का वैल्यू दिया है 200 रुपीज़, तो 200 को अगर हम लोग डिवाइड करें 1:3 रेशियो में तो आता है 50 और 150, देखिए अगेन टोटल वही आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्टर्स फीस, अब डायरेक्टर्स फीस जो एक्सपेंसेस है इसका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, ये प्योरली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की एडजस्टमेंट है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में मैं लिखूंगा 0, पोस्ट में पूरा के पूरा खर्चा जो डायरेक्टर्स फीस का है दैट इज़ 900 रुपीज़, ये पूरा के पूरा मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, प्री में कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद आएगा टेलीफोन चार्जेस 100 रुपीज़, तो अगेन टेलीफोन चार्जेस ये भी टाइम रेशियो का एक्सपेंस है, 100 रुपीज़ है, तो अगेन इसको अगर हम 1:3 में करें तो 25 और 75 का ब्रेकअप आएगा यहाँ पे 100 रुपीज़ का टेलीफोन चार्जेस का। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 10,800, सेलिंग एक्सपेंसेस 10,800, अब ये सेलिंग एक्सपेंसेस है तो ये हम लोग सेल्स रेशियो पे डिवाइड करेंगे, 10,800 1:2 रेशियो में इसे डिवाइड करना है, मतलब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, जो कुछ भी आंसर आएगा 3,600 ये मैं यहाँ पे लिखूँगा और बाकी का × 2, 1:2 है ना, तो × 2 7,200 मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा, 10,800 हमारी वैल्यू आ चुकी। नेक्स्ट आता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 100 रुपीज़, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम अगेन ये टाइम रेशियो का है, तो 100 मतलब 25 और 75 आएगा ये भी। इसके बाद आता है ऑडिट फीस, अगेन ऑडिट फीस ₹300 है, ऑडिट फीस अगेन ये सीधा पोस्ट एक्सपेंडिचर है, प्री में नहीं आएगा, ₹300 में सीधा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में एक्सपेंसेस लिखूंगा इसके। फिर आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन विल बी एडजस्टेड ऑन टाइम बेसिस, टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन होगा, 400 दिया है तो अगर हम लोग इसको 1/3 में बांटे तो 100 और 300 आएगा यहाँ पे, इस तरीके से 400 आने वाला है। अगला जो एक्सपेंस है वो है डेप्रिसिएशन के बाद आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 900 रुपीज़ का, तो वी विल राइट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगेन ये जो है डेप्रिसिएशन का स्पेलिंग गलत था, ओके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो उसके बाद का एक्सपेंडिचर है, इसका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो 900 है वो सीधा मैं इसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में ट्रीट करूँगा। लास्ट जो आता है वो है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स वैसे तो बैड डेब्ट्स टाइम बेसिस पे या एक्चुअली टाइम बेसिस पे होती है, लेकिन यहाँ पर
हमें एक एडजस्टमेंट दी गई है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैड डेब्ट्स पे आपको एडजस्टमेंट मिलेगी, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट दी गई है. जो टोटल बैड डेब्ट्स है 300 रुपए की, इसमें से 100 रुपीज़ की जो बैड डेब्ट्स है दैट इज रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. मतलब 100 रुपीज़ की बैड डेब्ट्स कंपनी के टाइम पर हुई है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, और बाकी की जो है वो पहले हुई है. तो यहाँ पे मैं बेसिस में लिखूँगा एक्चुअल, एंड 200 रुपए की पहले हुई थी और 100 रुपीज़ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन दिया है. यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की है, तो 100 एंड 200. अब डेबिट साइड हो चुका. क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कोई एंट्रीज नहीं है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री है 22,500. तो इसका एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट. अगेन ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 22,500 है, तो 22,500 सेल्स रेशियो है 1:3, मतलब आई विल डिवाइड इट बाय 3:1, आता है 7,500 फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, एंड वैसे ही 15,000 फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. अब पूरी एंट्रीज हमारी हो चुकी, वी विल जस्ट टेक टोटल. ये एक टेबल है, इसके विल जस्ट टेक टोटल. इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर ले अच्छे से ताकि ये दिखेगा आपको सभी को क्या चल रहा है. ओके, इसका टोटल ले लिया हमने, ऑल दीज फिगर्स आर नॉट नेसेसरी. 22,500 विल बी द टोटल. पोस्ट का टोटल होगा 15,000, प्री का टोटल होगा 7,500. इसी टोटल को यहाँ पर लिखकर ये सभी एक्सपेंसेस अगर लेस करें तो आपको प्री में बैलेंस बचता है 2,000 रुपीज़ का. ये बैलेंस कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र होगा, और पोस्ट में जो बैलेंस बचता है 275 का, ये बैलेंस नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट कहलाया जाएगा. टोटल जो प्रॉफिट आता है वो 2,275 आता है, जिसका बाइफर्केशन ऐसे होगा 2,000 फॉर कैपिटल रिजर्व एंड 275 फॉर नेट प्रॉफिट. तो ये था हमारा आज का पहला सम. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. थैंक यू.